जितना निंदा किया जाए बिहार के शिक्षा मंत्री को बहुत कम पड़ेगा। शिक्षा मंत्री तो अपने समाज को, अपने मंत्रालय को उन्होंने तार तार कर दिया। ये बिहार के लोगों ने देखा है कि उनके विभाग के जो सचिव है उनको उस चेयर पर बैठने नहीं दे रहा है, उसकी उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के सेशन कितना लेट है, बिहार के पढ़े लिखे नौजवान दर दर भटकते हैं, उसके बारे में उनकी सोचना चाहिए, लेकिन उस पर उनका ध्यान नहीं है। बिहार के जनता को ध्यान को भटकाने में आरजेडी के नेता या शिक्षा मंत्री लगे हुए हैं। मैं तो स्पष्ट मांग करता हूँ कि बिहार के जिनके नेतृत्व में उन मंत्री बने हुए हैं, तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, उन लोगों को न सनातन में विश्वास है न संविधान में विश्वास है। संविधान को उन लोगों ने भी धोखा दिया, सनातन को भी धोखा दिया। जिस तरह से उन लोगों ने सैनाइड का नाम दिया सनातन को, मैं तो लालू प्रसाद यादव जी से कहना चाहता हूं कि या तो स्वतः अपने मंत्री से इस्तीफा ले लें, और नहीं तो सनातन में लालू प्रसाद यादव जी को आपको भरोसा नहीं है तो खुद इस्लाम धर्म को उनको कबूल कर लेना चाहिए। बिहार की जनता को क्यों धोखा दे रहे हैं? एक तरफ सनातन पे भरोसा नहीं जता रहे हैं, आपकी मंत्री नहीं जता रहे हैं, दूसरे तरफ वो राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के बिहार से लेकर के सारे मंदिरों को दीवालों में माथा टेकते हैं। तो जब भगवान पे आपको भरोसा नहीं है, देवी देवता पे भरोसा नहीं है, सनातन पे भरोसा नहीं है, संविधान पे भरोसा नहीं है, तो नाटक नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप हिंदू धर्म को और सनातन को आप छोड़िए। लालू प्रसाद यादव जी, आप आखिरी सांस लेने के पहले जिस तरह परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने धर्म परिवर्तन किया था, आप भी इस्लाम धर्म को कबूल करके समाज को बताने का काम करें।